सर, जैसे कैंगन वाटर, मैं जैसे फेसबुक पे डालता हूँ कैंगन वाटर, इधर डालता हूँ उधर डालता हूँ, बहुत सारे लोगों का कॉल आता है यार कैंगन वाटर है क्या, कैंगन वाटर है क्या। तो मैं बताता हूँ, मैं अपने हिसाब से बताता हूँ। बट नाउ आज की डेट में एज ए डॉक्टर आपसे अगर कोई पूछता है सिंपल तरीके से कि कैंगन वाटर है क्या, तो आप क्या जवाब देते हैं उसके? अभी आपने शो शुरू होने से पहले एक डिस्क्लेमर डाला था कि यस जो भी हम एक्सपीरियंसेस या जो भी अपने इस शो में या कहीं पे भी सोशल मीडिया में डाल रहे हैं वो हमारे इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। सो कैंगन वाटर, अगर मैं सिंपल शब्दों में बात करूं या मेडिकल टर्म्स में बात करूं, कैंगन वाटर एक ऐसा वाटर है जो एल्कलीन वाटर। ओके। आज 90% जो हम खाना कंज्यूम कर रहे हैं, हमें लगता है कि आज हमने एक बहुत अमेजिंग डिश बनाई घर में, बट 90% स्पेशली इंडियन फूड, हमारे इंडिया में जो भी हम खाना बनाते हैं वो 90% फूड इज कुक्ड इन ऑयल, कुक्ड इन घी, और इट इज डीप फ्राइड। तो ये सारा का सारा खाना डीप फ्राइड है और खाने की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है बाय कुकिंग बाय डिफॉल्ट खत्म हो जाती है। तो ये खाना हम उसको एसिडिक की तरफ कन्वर्ट कर देते हैं। हमने अपने फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, इन अवर स्कूल डेज हमने एसिड और एल्कलीन के बारे में हम सबने पढ़ा है। वेरी ट्रू। अगर आप बात करें तो एसिड्स हमारी बॉडी के लिए हमेशा हार्मफुल हैं और जो भी प्रोडक्ट्स एल्कलीन है दे आर ऑलवेज गुड फॉर योर बॉडी। तो कैंगन वाटर एक ऐसा पानी है जो जो भी हमारा जो सोर्स ऑफ वाटर है हमारे घर में जो पानी आ रहा है उसको कन्वर्ट कर रहा है प्राइमरीली टू द एल्कलीन वाटर। एंड जो एल्कलीन वाटर हम कंज्यूम करेंगे बिकॉज हमारे जो बॉडी का पीएच है दैट इज 7 एंड 7 अबव, तो हमारे जो ब्लड का पीएच है दैट इज 7 एंड बॉडी के अंदर हर समय अगर एल्कलिनिटी मेंटेन रहेगी तो हमारी बॉडी विल बी इन द रेपरेटिव स्टेट या बॉडी हमेशा एनर्जाइज रहेगी, बॉडी के अंदर किसी भी किस्म के फ्री रेडिकल्स नहीं होंगे। तो कैंगन वाटर बीइंग एल्कलाइन हमारी बॉडी को हर समय एनर्जी देता है। सेकंड, कैंगन वाटर जब मैंने इसके बारे में टेक्स्ट पढ़ा, इसके बारे में लिटरेचर पढ़ा एंड इसके बारे में वेरियस साइंटिफिक स्टडीज हमने अपने यहां भी करी, तो आई फाउंड दैट कैंगन का जो पार्टिकल साइज है वो नॉर्मल पार्टिकल साइज जो पानी के पार्टिकल साइज से मच 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 स्मॉलर है। दैट इज द रीजन इट इज नोन एज माइक्रो क्लस्टर्ड वाटर। तो अगर हम एक ग्लास पानी पीते हैं कैंगन वाटर, ये हमारी बॉडी इतने अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेती है कि उससे बॉडी हमारी हाइड्रेटेड रहेगी। पार्टिकल साइज जितना छोटा होगा उतना जल्दी हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर पाएगी, उतना जल्दी हमारे बॉडी के सेल्स उसको एब्जॉर्ब करेंगे। तो हमारी बॉडी हर समय हाइड्रेटेड रहेगी, हर समय एनर्जाइज रहेगी। थर्ड थिंग विच आई वुड लाइक टू हाईलाइट कि आज मार्केट में बहुत सारे एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। जिनको हमारे मेडिकल टर्म्स में हम कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत सारे कैप्सूल्स अवेलेबल हैं मार्केट में बाय वेरियस नेम्स, बाय वेरियस ट्रेड नेम्स। बट एंटीऑक्सीडेंट अगर हम बात करें कि हमने एक पिल ले ली और उससे हम एंटी एज्ड हो जाएंगे या उससे हमारी बॉडी एनर्जाइज हो जाएगी, आई टोटली डिफर। जो हमारा खाना है और जो हमारा पानी है, अगर ये दो चीजों के बारे में हमने राइट कंट्रोल कर लिया, we will be always in a form of anti-aging, हम हमेशा यंग रहेंगे। हर आदमी, अगर आज आप केबीसी शो देखते हैं, अमिताभ बच्चन is nearing 80, yes, but आज वो अभी भी he is one of the best host and he is doing KBC for last 21 years. Why? Yes. Because he has maintained himself, so he is younger than the many many young actors. Very because good. Of a good diet and a good lifestyle. Very so good. I'll sum up that kangen water is a water jo hamari ko hamesha healthy rakhe, jo hamare ko bahut sari bimariyon se ladne ke liye shakti dega aur jisse hum hamesha in an active state rahenge.